नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस दोस्त में। दोस्तों IPL लगभग 70% खत्म हो चुका है, उसके 40 मैच खेले जा चुके हैं और अभी भी साफ नहीं है कि वो कौन कौन सी चार टीमें होंगी जो IPL प्लेऑफ में पहुंचेंगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल व रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कि वह किस तरह IPL प्लेऑफ में पहुंचेंगी। तो दोस्तों अगर आप KKR, RCB या RR के फैन हैं तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। बस दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन कौन सी टीमें होंगी जो IPL प्लेऑफ में पहुंचेंगी। क्रिकेट व IPL की हर न्यूज पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन भी दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 10 मैच खेले हैं जिसमें उसे 3 में जीत व दोस्तों 7 में हार मिली है। वहीं उसके पॉइंट टेबल में 6 पॉइंट हैं, उसके मैच बचे हैं 4। उसे एक मैच किंग्स इलेवन पंजाब, एक दिल्ली कैपिटल्स, एक राजस्थान रॉयल व एक सनराइज हैदराबाद के खिलाफ खेलना है। तो दोस्तों RCB को किसी भी तरह प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए चारों मैचों को अच्छी रन रेट से जीतना होगा। बात दुआ करनी होगी कि जो टीम चौथे नंबर पर उससे लड़ाई में होगी वह भी इन्हीं के बराबर मैच जीते व उसका नेट रन रेट उससे कम रहे, तब कहीं चांस है कि RCB प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। वही दोस्तों अब बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 मैच खेले हैं जिसमें उसे 4 में जीत व 6 में हार मिली है। उसके 8 पॉइंट हैं, उसके बाकी मैच हैं एक राजस्थान के खिलाफ, एक किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ व दो मुंबई इंडियंस के खिलाफ। कोलकाता नाइट राइडर्स को सीधे प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए चारों मैच जीतने होंगे, इस पर रन रेट का प्रभाव नहीं रहेगा। वह अगर KKR एक मैच भी हारती है तो वह भी RCB की तरह हो जाएगी। नहीं दोस्तों राजस्थान रॉयल भी मुश्किलों में है, उसने 10 मैचों में से 3 में जीत व 7 में हार मिली है। उसके 6 पॉइंट हैं, उसके बाकी मैच हैं 4। दोस्तों प्ले ऑफ में उसे पहुंचने के लिए चारों मैच जीतने होंगे व अच्छी रन रेट से जीतने होंगे। उसके सामने कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद जैसी ढाकड़ी में रहने वाली है। इसकी भी हालत सेम RCB जैसी हो गई है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे पहुंचेगी KKR, RCB व RR प्ले ऑफ में। वही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व IPL व क्रिकेट की मजेदार खबरें पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।